चलो बेटा रुशीर, आपके लिए एक क्वेश्चन आया। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। यूजिंग द इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन सी बार प्लस बी वाई, कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट द इनकम लेवल ऑफ 500 करोड़। तो क्या गिवन है? इनकम इज 500 करोड़, ऑटोनॉमस कंजम्पशन सी बार इज 40 करोड़, और क्या गिवन है? 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड। इसका क्या मतलब है रुशीद? क्या गिवन है ये? तो सेविंग्स रखिए। सहीश, 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, ये क्या है सर? शायद इंड्यूस्ड कंजम्पशन। सेव्ड सर बी वाई वही होता है ना? आदित्य ढांडा, सर एक्स्ट्रा सेविंग है। रमा, सो डेल्टा एस। वेरी क्लोज, ये गिवन था एमपीएस। एमपीएस इज 0.4। इसका मतलब क्या होता है? यू टेंड टू सेव 40% ऑफ योर एडिशनल इनकम डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई 0.4। जितनी भी आपकी इनकम चेंज हो रही है आप उसका 40% सेव कर रहे हैं। तो एमपीएस 0.4 था। लैंग्वेज समझ आई? बोलो। यस सर। तो ये ट्रिकी पॉइंट था इसका, बाकी सब तो नॉर्मल है। अगर एमपीएस आ गया तो एमपीसी क्या होता है? 1 माइनस एमपीएस, 1 माइनस 0.4, विच इज इक्वल टू 0.6। कंजम्पशन फंक्शन के इक्वेशन क्या है? सी बार प्लस बी वाई, सी बार गिवन है 40, बी कितना है 0.6, और वाई कितना है आपका 500। तो क्या मांगा था? कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, निकाल लेते हैं। 40 प्लस 0.6 इंटू 500, 300, 340। कोई भी डाउट? अच्छा क्वेश्चन था, कोई भी डाउट? नो सर।